आज हम बात करेंगे ऐसी 6 ट्रांजैक्शन की जिसमें इनकम टैक्स की सबसे ज्यादा नजर रहती है, और 6 ट्रांजैक्शन तो ऐसी है जो कि हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम इनकम टैक्स हमारे पे नजर गड़ाए बैठा है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशिमा। हम यहाँ डिस्कस करते हैं टेक्निकल, लीगल, फाइनेंस, बैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम और सोशल मीडिया से रिलेटेड अपडेट्स को, क्योंकि अपडेट रहो और आगे रहो। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं या उसको बेचते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं या कोई सर्विस देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट करते हैं कैश में या 2 लाख से ज्यादा लेते हैं कैश में, तो इनकम टैक्स का नोटिस आपको आ सकता है। इसलिए 2 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट ना करें और ना ही कैश को रिसीव करें। और दूसरा है, हम देखो FD तो हम लोग सब कराते हैं। अगर आप FD कराते हैं बैंक में फाइनेंशियल ईयर मतलब जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, उसके दौरान, एक साल के दौरान अगर आप 10 लाख की FD कराते हैं, तो क्या होता है, उस बैंक को रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स में कि हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें 10 लाख की एक FD हुई है। तो आपको इस केस में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स वाले पूछ सकते हैं कि 10 लाख है कहां से आया। तो तीसरा है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं मतलब बेचते हैं या उसको खरीदते हैं और उसकी जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो 30 लाख से ज्यादा की है, तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। क्योंकि जो रजिस्ट्रार होता है उसको रजिस्टर करानी होती है। जो आप कभी भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना होता है। अगर हम रजिस्टर कराते हैं तो जो रजिस्ट्रार है उसको बताना होता है इनकम टैक्स वालों को कि भाई इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है, तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो फोर्थ है, अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है और अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, अगर जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड फट से ले लेते हैं, आजकल बैंक वाले इतने ज्यादा ऑफर्स देते हैं और हम फटाफट से क्रेडिट कार्ड खरीद लेते हैं और धड़ाधड़ उसकी पेमेंट करते रहते हैं। अब अगर हमें क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट करनी है वो अगर हमने करी 1 लाख कैश में या 10 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर के अंदर, कैसे भी, जैसे अगर आपने ऑनलाइन कर दी या आपने कैश में कर दी, क्रेडिट कार्ड की अगर पेमेंट करी है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और फिफ्थ है, अगर आप अगर किसी भी शेयर खरीदते हैं या कोई डिबेंचर खरीदते हैं या कोई बॉन्ड खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं और अगर आप उसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और सिक्स्थ है, सबसे इम्पोर्टेंट और जो कि हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, वो है आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें कैश जमा कराना। अगर हमने बैंक अकाउंट में कैश जमा कराया है 2 लाख, एक बार में हमने 2 लाख करा दिया है, तो भी हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दूसरा है, अगर हमने एक साल के अंदर 10 लाख का कैश जमा करा दिया है अपने बैंक अकाउंट में, एक साल मतलब अप्रैल से जो शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, तब भी हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो ये 6 ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें इनकम टैक्स की कड़ी से कड़ी नजर रहती है, और इसीलिए आप ये सारी ट्रांजेक्शन्स को बहुत ही देख के करना। जो इनकम टैक्स में लिमिट दी हुई है उसी के हिसाब से करिए। लेकिन इन केस अगर आपकी लिमिट उससे आगे हो जाती है, जैसे कि अगर 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करा दिया या FD ज्यादा की करा दी या शेयर्स में ज्यादा लगा दिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वो पैसा कहाँ से आया है, सोर्स ऑफ फंड मतलब आपको पता होना चाहिए। ये नहीं हो कि 10 लाख मैंने लगा तो दिया और मुझे पता है नहीं कि कहाँ से आया, तो आप फंस सकते हैं, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।